नमस्कार दोस्तों, एबी इन्फोस के नए वीडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लोगो को तो आप बखूबी जानते होंगे। ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का लोगो। दोस्तों, आज हम बीसीसीआई के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, यानी बीसीसीआई कैसे बना, क्यों बना और आज बीसीसीआई किस स्थिति में है। दोस्तों, बीसीसीआई की जो स्थापना है वो दिल्ली के रोशनार स्टेडियम में किया गया था कुछ क्रिकेटर द्वारा। दिसंबर 4, 1928 में बीसीसीआई को बनाया गया था। बीसीसीआई को बनाने का मेन एजेंडा जो था वो ये था दोस्तों कि जो ब्रिटिश मोनोपोली थी क्रिकेट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए बीसीसीआई को बनाया गया था। अब क्रिकेट बोर्ड तो बन गया, लेकिन बनने के बाद जो कठिनाई बीसीसीआई को फेस करनी पड़ी वो बहुत ही मुश्किल थी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था फंडिंग का, क्योंकि फंड अब कैसे बनाया जाए ये था बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती। अगर फंड बनाना होगा तो जो क्रिकेट टीम है यानी इंडियन क्रिकेट टीम को बखूबी अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। दोस्तों, टीम उस समय कुछ ऐसी स्थिति में थी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे टीम ने अपने प्रदर्शन को सुधारा और बहुत आगे आने की कोशिश की और 83 में हम पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। उस समय सारी दुनिया जो है चौंक गई और ये समझ चुकी थी कि टीम इंडिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब धीरे धीरे जो है टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो सुधरती जा रही थी, टीम बहुत ही कमाल कर रही थी, लेकिन बीसीसीआई के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी फंडिंग की। बीसीसीआई को ये समझ में नहीं आ रहा था कि फंड को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि दोस्तों एक मैच को दूरदर्शन में दिखाने के लिए बीसीसीआई को देने पड़ते थे 5 लाख रुपये और जो टीम इंडिया के साथ खेलने के लिए आती थी उसका भी खर्चा बीसीसीआई को उठाना पड़ता था। जैसे तैसे तो बीसीसीआई मैनेज करके इस बोर्ड को चला रही थी, लेकिन 1993 में बीसीसीआई ने कुछ बदलाव किया। दोस्तों, 1993 में बीसीसीआई चला गया कोर्ट के पास और बोला कि वो अपने राइट्स को बेचना चाहता है, क्योंकि बीसीसीआई को लग रहा था कि राइट्स को अब रखने के बजाय अगर हम उसे बेचेंगे तो शायद से ज़्यादा इनकम हो सकता है। और इसी सोच ने दोस्तों बीसीसीआई की फंडिंग प्रॉब्लम को सुधार दिया। TWI की कंपनी उस समय सबसे पहले आगे आई और बीसीसीआई से राइट्स खरीद लिए $6 लाख में। 1993 के बाद टीम इंडिया का जो सफ़र था वो बड़ा ही सुनहरा था, क्योंकि टीम का जो प्रदर्शन था वो दिन ब दिन सुधरते जा रहा था और टीम बहुत ही अच्छा कर रही थी। और दोस्तों, सन 2000 में दूरदर्शन ने बीसीसीआई को 2,50,00,000 के आसपास पेमेंट की और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बीसीसीआई के साथ बना लिया कि जो भी मैचेस टीम इंडिया की होगी वो दूरदर्शन में लाइव दिखाया जाएगा। इससे जो बीसीसीआई की जो इनकम थी वो धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हो गई थी। अब दूरदर्शन के बाद 2006 में निम्बस स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई के साथ 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है दोस्तों 2 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2008 तक जो भी मैचेस होंगे वो निम्बस स्पोर्ट्स में दिखाए जाएंगे। उसके बाद क्या था दोस्तों, फिर सोनी आगे आया, सोनी ने तकरीबन 90 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट बनाई बीसीसीआई के साथ। और फिर क्या था दोस्तों, ये सिलसिला चल पड़ा। बीसीसीआई की जो फंडिंग थी वो हद से ज़्यादा सुधर गई। तो दोस्तों, ये था बीसीसीआई के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। बीसीसीआई जब बना ये किसी को भी नहीं पता था कि बीसीसीआई इतने बड़े मुकाम में पहुंच जाएगा आज। तो दोस्तों, बीसीसीआई के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नए वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।